नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसको जैसे हम ना असहयोग आंदोलन में, ना बेबल योजना में जो मेन टॉपिक होते हैं उनमें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उसके कुछ छोटे से पॉइंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं सारे पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपके बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा RO ARO की वीडियो एग्जाम की, लेखपाल की, बिहार दरोगा, SSC, पुलिस, CD या फिर आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री GK से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, हर हाल में आपको मेहनत करनी है, अपने अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ पुस्तक से ही आपका जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया। वंदे मातरम को हमने सबसे पहली बार कब गाया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्ला सयानी ने, ध्यान रखिएगा। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। फर्स्ट रेमन मैग्सेसे अवार्ड में किसको मिला था? विनोबा भावे को। इसमें हम क्या करते थे? बंजर भूमि का दान करते थे। भूदान आंदोलन के प्रणेता थे आपके विनोबा भावे जी। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ पे मिलता है? आपके मनीला के फिलीपींस में मिलता है। फिलीपींस में और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में आपके मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो फिर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कटक उड़ीसा में स्थित है। कुछ और अनुसंधान केंद्र के बारे में समझ लीजिएगा, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। दलहन अनुसंधान केंद्र आपके कानपुर में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमंदुरी आंध्र प्रदेश में है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछता है। अभी हाल ही का 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यह कई बार इसको बाजरा पूछता है। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को। मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से जाना गया है। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? हैदराबाद में। 2016 को दलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ओके, आगे देखते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष जी। अरविंद घोष जी कांग्रेस के नरम दल से जुड़े हुए नेता थे। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस आपके दो दलों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल नरम दल का विलय हुआ था। इसके साथ साथ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी विलय हुआ था। कांग्रेस का 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। बंगाल एसियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई। इसके प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जॉन्स। भारत के संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव घोषित किया गया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट कब बनी थी? 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनी थी। इसके अलावा 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वाधीनता का लक्ष्य लिया था। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने तिरंगा को फहराया था। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है और ये आपके रिवीजन क्लास है। आपको ये कम टाइम में सारी चीज़ें सुन के रट ही लेनी है। ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस बुक के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई कौन है? देवीनाथ टैगोर, जिसका आपने क्रांतिकारी आंदोलन के समय पढ़ा था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग सख संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुकार कौन है? जो हमारा केंद्रीय सचिवालय है उसका वास्तुकार कौन था? एडवर्ड लुटियंस। और अभी हमारी जो नई संसद भवन बनी है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, किस कंपनी को मिला था इसका? टाटा कंपनी को। टाटा कंपनी ने क्या किया है? आपके एयर इंडिया का विलय पुनः टाटा कंपनी में हो चुका है। और टाटा कंपनी ने
1907 में सापची जमशेदपुर में पहली टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, बिहार के एग्जाम में ही पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखना है। एक्चुअली टाटा इस बार क्या रही, चर्चा में रही है। आपके इस बार का आईपीएल का आयोजन भी टाटा ने कराया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट टाटा को मिला, एयर इंडिया का विलय हो गया टाटा में, इसलिए टाटा से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। भारत के शासन वर्ष में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया था। 1892 का जो एक्ट आया था उसके माध्यम से हमने शासन व्यवस्था में क्या क्या प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को मिलाने की कोशिश की कि हमारे क्या होंगे, कुछ प्रतिनिधि बनकर जाएंगे। किस गवर्नर के काल में 1921 के कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था? रीडिंग के काल में 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। और एक बात बताइए, हमारी राजधानी का स्थानांतरण कलकत्ता से दिल्ली कब हुआ था? 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में दिल्ली की स्थानांतरण हो गया था। और 1911 में ही क्या हुआ था, आपका बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 में, करजन के समय पे हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिल्ली शहर के रूपांकन में जब दिल्ली शहर की नई दिल्ली की डिजाइन बना रहे थे ना, कौन कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियन, एडवर्ड बेकर, एमजे ग्राउसे, ये सब शामिल थे। ये ऐसे क्वेश्चन है कि जैसे हमने असहयोग आंदोलन पढ़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा, कांग्रेस के बारे में पढ़ा, तो ये छोटे छोटे पॉइंट को हम वहाँ पर स्किप करते थे, इसीलिए मैंने अलग से आपको पढ़ा रही हूँ। इनसे क्वेश्चन 1-2 नंबर का पूछता है और आपको हर हाल में अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से नंबर स्कोर करने हैं। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। उस टाइम का सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज था, अब वर्तमान में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन के। 1916 में एनी बेसेंट ने क्या किया था, होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, किसके माध्यम से, आपके बाल गंगाधर तिलक की हेल्प से। एनी बेसेंट की दो प्रमुख पत्रिकाएं, कॉमनवेल इनकी प्रमुख पत्रिका है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है एनी बेसेंट कहाँ की निवासी थी? आयरलैंड की निवासी थी। एनी बेसेंट जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट भी उनके साथ जाती हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। कई बार आप पढ़ते हैं ना जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिजाइन किया था पिंगले वैकैया ने, लेकिन इससे साथ साथ आपके मैडम भीकाजी कामा ने भी हेल्प की थी। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? सरजन चट्टोपाध्याय। इसी उपन्यास के ऊपर आपकी देवदास मूवी भी बनी थी। चित्रा उपन्यास किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आपको सिर्फ गीतांजलि का नाम याद रहता है, गीतांजलि के साथ साथ चित्रा भी उनका बहुत फेमस उपन्यास था, क्लियर। आमार सोमार बांग्ला गीत की रचना भी किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? बंगाल विभाजन के दौरान। बाद में क्या बनता है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन जाता है। हंग्री स्टोन या क्षुद्र पाषाण किसके रचयिता है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 का निर्माण किस आयोग ने किया था? भारत में जो विभिन्न प्रकार के आयु अकाल आ रहे थे उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था, कौन सा? स्ट्रेजी आयोग का, बंगाल में जैसे बहुत भयानक अकाल आया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत कब हुई थी? 1941 में रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत हुई थी। इन्हें कब अवार्ड मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। किसने कहा था कि आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर है, हमें इसके पकड़ कर रखना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? 1917 का चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को किया। वायसराय कौन था? लीन लिथगो वायसराय था, क्लियर हो गया। इसके अलावा पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य। पूना पैक्ट में महात्मा गांधी की तरफ से किसने साइन किया था? सी राजगोपालाचारी ने साइन किया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र कब दिया था? 1934 में। 1934 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था।
महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। पहली भारतीय महिलाएं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, अगर सिर्फ पहली महिला पूछेगा, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनिवेशन, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस को 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय बालिका राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? आपके गणेश मावलकर जी ने। पहले क्या होता था, जब हम अध्यक्ष जाते तो हम क्या करते थे, विग पहन के जाना होता था, लेकिन जी वी मालकर ने क्या किया, तो विग को छोड़कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन स्वास्थ्य किसने कहा था? आपके अरविंद घोष ने। इनके प्रमुख पुस्तक कौन है? लाइफ डिवाइन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव किस भारतीय ने लड़ा था? वो आपके थे WC बनर्जी लड़ा था। अगर पूछेगा सबसे पहले लड़ा किसने था, WC बनर्जी। लेकिन सबसे पहले सदस्य कौन बने थे? सदस्य बने थे आपके दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश कॉमन हाउस के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था? 1957 में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था केरल में। केरल के कालीकट में ही आपका पुर्तगाली जो था वास्को डिगामा भारत आया था, किसके हेल्प से आया था, अब्दुल मजीद की हेल्प से आया था। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? आपके केरल में। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में ही आपका सबरीमाला मंदिर है, ध्यान रखिएगा। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक क्रांति 1948 में घोषित की गई थी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ हुई थी, जिससे हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, जब संविधान सभा के सदस्य तुभित निर्वाचन हुआ था, 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था। ब्रिटिश संसद के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने ड्रेन थ्योरी धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी ने। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी आपके दादाभाई नौरोजी हैं। कस्तूरबा गांधी की समाधि का है आगा खां के महल पुणे में, कस्तूरबा गांधी की समाधि है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, पुणे के यरवदा जेल में ही 1932 का पूना पैक्ट होता है। महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के मध्य और अभी हाल ही में पुणे से क्या हुआ, जेल पर्यटन योजना को भी स्टार्ट किया है। ये करंट का आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। कह रहा निम्न आंदोलनों को सही अनुसार व्यक्त करिए। कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? 1930 असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 खिलाफत आंदोलन, आपके भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो कह रहा इसका सिक्वेंस में स्थापित करिए। तो इसका सिक्वेंस सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था 1905 में, मुस्लिम लीग के 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ उसके पश्चात आपका क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का 1906 में गठन होता है। मुस्लिम लीग क्या करती है, जब तुर्की में बहुत सारे मुसलमानों के साथ, तुर्की खलीफा के साथ ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करती है, तो यहाँ के मुसलमानों को लगता है कि अगर वहाँ पे गलत कर रहे तो हमारे साथ भी गलत कर सकते हैं। इन्होंने क्या कर दिया था, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था। खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने इनका साथ दिया था, ठीक हो गया। इसके अलावा सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1920 में स्टार्ट होता है, और इसको 1922 में चोरी चोरी हत्याकांड के पश्चात महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर ही आपका दांडी यात्रा होता है, नमक सत्याग्रह होता है। दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ ये यात्रा प्रारंभ की थी। धरसाना कांड, जब नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो धरसाना फैक्ट्री में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में लोग हमला करते हैं, तो सरोजिनी नायडू की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के गोल्टिया टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ था। इस टाइम पे वायसराय कौन था, आपके लिल लिथको। कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में, क्लियर। मैं कुछ भी पॉइंट ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें आपको बस सुननी है, सुन के आपको हर हाल में लर्न करनी है। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे, 1929 में आया था डोमिनियन स्टेट का।
एक्चुअली 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट बनी तो हमने कहा कि भाई हमें डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए, तब मांग को माना नहीं गया। बाद में 1929 में घोषणा पत्र आता है, उसमें कहा जाता है कि आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। इसी बीच आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में कहा जाता है कि अब हम हर हाल में स्वाधीनता ही मानेंगे, और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू लाहौर के रावी नदी के तट पर तिरंगा को फहराते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष, जब बंगाल में बहुत भयानक अकाल पड़ा था, कब पड़ा था, 1943 में बहुत भयानक बंगाल में अकाल पड़ा था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत से कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था, गोवा। गोवा क्या हुआ था, स्वतंत्रता के पश्चात भी पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, फिर बाद में हमने गोवा का विलय किया था। गोवा रेबीज मुक्त राज्य भी गोवा है, हर घर जल वाला राज्य भी आपका गोवा है, ध्यान रखिएगा। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद। और गोवा में आपका GST संग्रहालय धरोहर गोवा के पर्ची में खोला गया था। GST दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाते हैं। GST में कौन सा संशोधन हुआ था, 101वां संविधान संशोधन GST के द्वारा किया गया था। GST के कितनी स्लैब हैं, 4 स्लैब हैं। ग्लिम्स ऑफ अ वर्ल्ड विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के राइटर कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। और पहली बार जनगण मन कहाँ पे गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में हमने पहली बार राष्ट्रगान को गाया था, और राष्ट्रगीत भी हमने पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया था। राष्ट्रगीत किससे लिया गया, आनंद मठ पुस्तक से। आनंद मठ के राइटर कौन है, आपके बंकिम चंद चटर्जी, जो आपका राष्ट्रगान है। इसके राइटर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ध्यान रखिएगा। भारत में समाचार पत्र किसने शुरू किया था, सबसे पहला समाचार पत्र आपके जेम्स हिक्की के द्वारा स्टार्ट किया गया था। द व्हील ऑफ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। चित्रा, गीतांजलि, इन सब के राइटर भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इस्पात का चौकटा, स्टील फ्रेम, भारत के जो IAS की सेवा होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, जो हमारे यहाँ पे IAS है, IAS की भारतीय प्रशासनिक पुलिस सेवा जो है, ये भारत का स्टील फ्रेम है। गोदान, गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। भारत भारती के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। सेटल आयोग का संबंध किससे, शिक्षा से जुड़ा हुआ आयोग है। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को कब से लागू किया था, प्रांतीय स्वायत्तता को हमने लागू किया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, हमने क्या किया था, प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, दो आपके अली बंधु थे, इन्होंने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। सिविल सेवाओं को सूत्रपात किसको बोलते हैं, सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक, ये सब बोलते हैं कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने कृषि के लिए कौन सी पद्धति, स्थायी जमींदारी व्यवस्था को भी प्रारंभ किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने किया था, रीड व मुंडो ने। इसके अलावा हॉल्ट और मैकेंजी ने कौन सी महलवाड़ी व्यवस्था को लाए थे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा था, श्याम लाल गुप्त पार्षद ने। नागरिकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा को प्रणाली को स्वीकार किसने किया था, कब किया गया था, 1853 में, ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के एक्ट को रद्द करने का अधिकार मिला था, 1786 का जो एक्ट आता है, इसके तहत जो काउंसिल के फैसले हैं उनको रद्द करने का अधिकार मिल जाता है, किसको, कॉर्नवालिस को मिल जाता है। दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है, बंकिम चंद चटर्जी। कई बार पूछ लेते हैं दुर्गेश नंदिनी उपन्यास है, रचना है, यात्रा वृत्तांत क्या है, तो ये उपन्यास है, और रचना किसने की थी, बंकिम चंद चटर्जी ने। 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, भारतीय राजनीति, अरुणा आसफ अली का बहुत ज़्यादा योगदान है आपकी, अरुणा आसफ अली हुई, राजकुमारी अमृत कौर हुई, बेगम अजैज रसूल हुई, सरोजनी नायडू हुई, आपकी एनी बेसेंट हुई, मैडम भीका जी कामा हुई, ऐसे महत्वपूर्ण महिलाएं जिनका भारत की स्वतंत्रता आंदोलन उतना ही योगदान है जितना कि भारतीय पुरुषों का रहा है। वंदे मातरम को किसने लिखा था, बंकिम चंद चटर्जी ने। किस में लिखा था, आनंद मठ में। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गया था, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, रहीमतुल्ला सयानी ने। उड़ीसा को बिहार से कब पृथक किया गया, 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था।
1878 का जो वर्नाकुलर प्रेक्ष आया था किसने रद्द कर दिया था? रिपन ने। और रिपन के कार्यकाल में ही आपकी 10 की जनगणना प्रारंभ होती है 1881 में। सबसे पहली बार जनगणना का प्रारंभ होती है 1872 में मेयो के कार्यकाल में, लेकिन 10 की जनगणना प्रारंभ होती है आपके रिपन के कार्यकाल में। जनगणना आपके सूची के अंतर्गत आती है, जनगणना आपके संघ सूची के अंतर्गत आती है, जबकि जनसंख्या आपके संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? USA में स्टार्ट किया तारकनाथ दास ने। जो विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी संगठन है, विदेश में किसने स्थापना की, इंडिया में किसने स्थापना की, इसका चैनल में अलग से वीडियो पड़ा, उसको देख लीजिएगा। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन BPSC में पूछे गए, मैंने उन सबको एक साथ संकलन किया। आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सुरुल। इन्हीं वैलेंटाइन सुरुल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा था। और जो तिलक जी, इन्होंने गणपत महोत्सव शिवाजी महोत्सव भी स्टार्ट किया था। इसके साथ साथ कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता भी थे कौन? तिलक जी। तिलक जी की बुक कौन सी? गीता रहस्य को इन्होंने अपने जब जेल में थे, मांडले जेल के दौरान तिलक जी ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख रचनाएं हैं। कॉमन बिल पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्लई, ये स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, तमिल भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र को नहीं छापाया जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, शिक्षा से संबंधित है, इसमें प्राथमिक शिक्षा पर बहुत बल देने की बात की गई थी। इसके अलावा पूछ लेता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति गई थी? इंडियन काउंसिल का जो एक्ट आता है 1868 में, इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जैसे हमें फिर राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी कर देता है, वैसे उस टाइम पे गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की थी? वेले जली ने सहायक संधि का व्यापक रूप से प्रयोग किया, लेकिन सहायक संधि का जन्मदाता किसको बोलते हैं? डुप्ले को। मुसलमानों की उस शिक्षा के पथ प्रदर्शक कौन बने थे? सर सैयद अहमद खान है। इन्होंने मुस्लिमों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और काम किया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? तो सबसे बड़ा हाईकोर्ट है आपका झारखंड हाईकोर्ट, ध्यान रखिएगा। इंडिया में कितने हाईकोर्ट हैं? तो इंडिया में इस टाइम पे 25 हाईकोर्ट हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1932 के पूना पैक्ट में महात्मा गांधी जी की तरफ से राजगोपालाचारी ने ही साइन किया था। गदन और गोदान किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पुस्तकें किसने लिखी थी? मदन मोहन मालविया ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टिसन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। बंकिम चंद चटर्जी ने अपने आनंद मठ में किसका उल्लेख किया? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ पुस्तक में है। लेक्चर्स फ्रॉम टू कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नारायण दास। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन पर जाके भाग लिया था और वहाँ पर भाषण दिया था। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 का निर्माण हुआ था। 1909 में क्या आया था? आपका मार्ले मिंटो एक्ट आया था, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत की बात की गई थी। 1854 में बोर्ड घोषणा पत्र आता है, जिसमें शिक्षा के विस्तार के पास से संस्कृत के विस्तार को लक्ष्य लिया गया था। 1854 के जो बोर्ड घोषणा पत्र है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 के घोषणा पत्र के समय भारत का गवर्नर कौन था? डलहौजी की प्रमुख चीज़ें, एक तो डलहौजी के समय भारत में पहली बार ट्रेन चली थी मुंबई के ठाणे के में, और डलहौजी के समय राज हड़प नहीं थी, इसके साथ साथ क्या हुआ था, इन्होंने गोद लेने पर भी रोक लगा दी थी। अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। अवध की रिपोर्ट किसके आधार पर है? आउट्रम की रिपोर्ट, जिसमें अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा था, और झांसी को दत्तक पुत्र के गोद न लेने के आधार पर झांसी को हड़पा था, ध्यान रखिएगा।
1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसमें कहा गया कि पहले क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट आई, तब मांग की गई कि भाई हमें डोमिनियन स्टेट दे दीजिए, लेकिन तब तो मांग मानी नहीं। अब जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, तब इन्हें लगा कि अब हमें भारतीयों की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, ये जैसे हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, पहले आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए, फिर हम क्या कर देंगे, भारत को डोमिनियन स्टेट बना देंगे। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहते कि अब हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए नहीं, अब तो हमें पूर्ण रूप से स्वाधीन राज ही चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता ही चाहिए। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करते समय कहा गया था कि अब भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो चुका है। थोड़े से और पॉइंट है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से रट लीजिएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की मस्ता क्या थी। एक्चुअली 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, तो उन्होंने क्या कि फेडरल यूनियन है ना, राष्ट्रीय प्रांत को भी शामिल कर सकते हैं। एक्चुअली राष्ट्रवादी जो नेता थे, जो साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ, अब कहा कि जैसे आपका बंटवारा हुआ उस टाइम पर इन्होंने क्या कह दिया था, जो राज्य स्वतंत्र रह सकते हैं, जो भारत में मिलना चाहे भारत में मिल सकते हैं, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं पाकिस्तान में मिल सकते हैं। अंग्रेजों ने जाते जाते इतना बुरा नफरत का बीज बो दिया था, जिसका आपकी स्वतंत्रता के पश्चात एक बहुत बड़े दंगे के रूप में देख भी सकते हैं। इनकी मनसा थी जाते जाते इन्होंने बहुत बड़ा फूट डालकर कहते हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक संग्रह की रचयिता कौन है, सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को 11 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सरोजिनी नायडू जी का असहयोग आंदोलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, नमक सत्याग्रह में, विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भारत की स्वतंत्रता में योगदान है। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल हैं, कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। 13 फरवरी को इनका जन्म दिवस होता है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कौन सी विशेषता नहीं थी। 1935 को जो भारत शासन अधिनियम आया था, अब हमने क्या किया था कि राज्यों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। केंद्र में द्वैत शासन लागू होता है, लेकिन राज्यों के द्वैत शासन को समाप्त किया था। जबकि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हमने द्वैत शासन को लागू किया था। इसके अलावा ब्रिटेन का सभी संवैधानिक प्रयोग कम समय तक चला, 1909 को इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। इसके साथ साथ कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है। इसके अलावा आपके साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। और साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। कैबिनेट मिशन के माध्यम से हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को हम पास करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी प्रस्तावना का आधार बनता है। प्रस्तावना हमने कहाँ से ली थी, यूएसए के संविधान से ली, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। उस समय जब नेपोलियन के शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका लहराया, कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग। कांग्रेस के नेताओं में कैबिनेट योजना के पक्ष में कौन था, सरदार पटेल। सरदार पटेल कैबिनेट योजना के पक्ष में थे। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी, बारदोली सत्याग्रह में मिली थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोमार बांग्लादेश की रचना किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बाद में बांग्लादेश ने इसे अपने राष्ट्रगान के रूप में भी अपना लिया था। इसके साथ साथ बांग्लादेश का गांधी किसको बोलते हैं, मुजीबुर रहमान को। मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। इस टाइम पे जो शेख हसीना है, ये क्या है, इनके पिता थे, कौन, शेख मुजीबुर रहमान, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे, अंग्रेजी शिक्षा से लॉर्ड मैकाले का संबंध है। इसके अलावा शिक्षा के जो निसंदेह सिद्धांत, ये भी आपके लॉर्ड मैकाले ने दिया था। सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी, फैज अहमद फैज ने। 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, कलकत्ता मद्रास बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 1857 में। 1857 में आपका विद्रोह भी हुआ था, कैसा विद्रोह था, सैन्य विद्रोह, लेकिन पहला सैन्य विद्रोह कौन सा था, 1806 का वेल्लोर विद्रोह था। सोम प्रकाश नामक समाचार किसने प्रारंभ किया, ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार को प्रारंभ किया था। किस अधिनियम ने भारतवासियों को प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए को संभव बनाया।
आज मैं आपके इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जो अलग अलग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक क्लास में आपको देने की कोशिश की है। इसका एक और पार्ट आएगा, उसको देख लीजिएगा, और इससे पहले की जो क्लासेस हैं उन्हें देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा।